नदी पर जब पुल नहीं होता और नदी में जब नाव नहीं होती तो इंसान अपने आप तैरना सीख जाता है। यह कहना है हमारे आज के जमाने के अद्भुत अभिनेता का, जिनका हर किरदार हमारे दिल को छू गया है, जो मानते हैं कि मैं आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन मेरे निभाए हुए किरदार हमेशा रहेंगे और इसीलिए मैं हर किरदार को, हर रोल को पूरी शिद्दत से निभाता हूं। उनका नाम है द वन एंड ओनली अमेजिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी साहब। बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में पैदा हुए, एक छोटे से गांव के रहने वाले इंसान ने एक सपना देखा था अभिनेता बनने का, और जो सपना देखा था उसे पूरा कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे अब इनके जैसा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। पंकज त्रिपाठी साहब, जो कि 1976 में शिक्षक दिवस के दिन पैदा हुए, 5 सितंबर 1976 को, इनके पिताजी का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी साहब है और इनकी माताजी का नाम हेमवंती देवी जी है। माताजी और पिताजी को प्रणाम है, क्योंकि आप ही का आशीर्वाद है कि पंकज साहब का अभिनय आज पूरी दुनिया में छा रहा है। पंकज त्रिपाठी साहब, उनसे सीखने वाली कितनी सारी बातें हैं, आज के इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वो कहते हैं कि कुकिंग और एक्टिंग एक जैसी होती है, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, जरा सी मात्रा ज्यादा हुई, गड़बड़ हुई तो सब कुछ बिगड़ जाता है। मात्रा ज्यादा हो जाती है एक्टिंग में तो ओवर एक्टिंग बोलने लगते हैं, कुकिंग में ज्यादा हो जाती है तो ओवर कुक्ड बोलने लगते हैं। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम पंकज त्रिपाठी जी। सीखने वाली पहली सबसे बड़ी बात पंकज त्रिपाठी साहब से है कि हमेशा क्रेडिट देना चाहिए। आजकल ये बड़ी लड़ाई रहती है, आपने किसी की फोटो क्लिक की, उसने आपका नाम नहीं दिया, आपको मेंशन नहीं किया, टैग नहीं किया, तो आप उसको कॉल करके कहते हैं भाई मेरा नाम कहाँ है। क्रेडिट की बड़ी मारामारी इस दुनिया में, और पंकज त्रिपाठी जी कहते हैं कि क्रेडिट कभी भी किसी का खाना नहीं है। अगर किसी की वजह से कुछ अच्छा हुआ है उसको क्रेडिट जरूर दीजिए, और ये बात उन्होंने अपने पूज्य पिताजी पंडित बनारस त्रिपाठी जी से सीखी है। पंकज त्रिपाठी साहब मूवी में कोई भी रोल करें, कोई भी कैरेक्टर करें, अगर उन्हें उस कैरेक्टर की कहीं से इंस्पिरेशन मिली, अगर उन्होंने कहीं से कॉपी किया है, कहीं से कुछ सीखा है, तो जरूर उसके बारे में बताते हैं। स्त्री मूवी में जो उनका किरदार था, कमाल का किरदार था रुद्र का, और बड़ी तारीफ हुई, वो कहते हैं कि वो जो कैरेक्टर है मेरा, वो मैंने कॉपी किया, मैंने सीखा हमारे गाँव के रघुनाथ बाबा से। वो जब भी अपना परिचय देते थे तो बड़ा लंबा परिचय देते थे, और उन्हीं के उन पंक्तियों को मैंने दोहराने की कोशिश की स्त्री मूवी में। ऐसे ही नीलबट्टे सन्नाटा जो मूवी थी, नीलबट्टा सन्नाटा, उसमें जो उन्होंने टीचर का रोल किया, वो कहते हैं कि टीचर की चाल मैंने कॉपी की थी हमारे जो गुरुजी थे उनसे। पंकज त्रिपाठी जी चाहे अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, जो भी योगदान रहा हो किसी का भी, वो क्रेडिट देने से नहीं चूकते हैं। एक किस्सा बड़ा मज़ेदार उन्होंने सुनाया, वो कहते हैं कि मैं गाँव से आया था और मुझे मालूम नहीं था कि एक्शन सीन कैसे शूट होते हैं, तो 3-4 टेक हो गए, तो जो एक्शन डायरेक्टर था उसने अपने असिस्टेंट से कहा गाली देते हुए कि किसको पकड़ के लेके आ गए, और गाली सुनते ही मेरा मूड खराब हो गया, मैं जाकर के दूर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इसका सर्वर फोड़ देंगे और गांव निकल जाएंगे। तभी एक सीनियर एक्टर आया और उन्होंने कहा कि सुनो, इन गालियों को इकट्ठा करो और अपने काम पर फोकस करो, देखना एक दिन यही आकर के तुम्हें सर कहेंगे। और ठीक वही हुआ, 8 साल के बाद में एक बड़ी मूवी की स्क्रीनिंग थी और वही जो उस वक्त जिन्होंने गाली दी थी वो आए और कहने लगे पंकज साहब को कि वाह सर क्या काम किया है। तो लाइफ में अपने काम पर फोकस कीजिए, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो पंकज जी से सीखने वाली है, नेवर रिग्रेट, जिंदगी में कभी भी दुख मत मनाइए, दुखी मत होइए। पंकज त्रिपाठी जी अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को बड़े गर्व से बताते हैं, वो अपने गांव की यादों को, अपने बचपन की यादों को खुलकर बताते हैं। बड़े सारे लोग होते हैं आजकल जो अपने होम टाउन के बारे में जिक्र करने से कतराते हैं, बताते नहीं हैं। बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं तो कहते हैं हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारी जनरेशन यहीं रह रही हैं, वो दादाजी वगैरह रहते थे गांव में, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन पंकज जी हमेशा अपने गाँव का जिक्र करते हैं, अपनी गाँव की यादों के बारे में बात करते हैं। गोपालगंज ज़िले के जिस बेलसंड गाँव में उनका जन्म हुआ, कहते हैं कि मैंने 10वीं तक तो, मतलब हमारे यहाँ तो बिजली नहीं थी, टीवी रेडियो तो दूर की बात है, मतलब बिजली नहीं थी तो क्या बोलें, और स्लीपर कोच उन्होंने 10th तक नहीं देखा था, सिनेमा हॉल उन्होंने 10th तक नहीं देखा था, अभावों भरी जिंदगी थी। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति के नज़दीक रहने का बड़ा मौका मिला, गांव में ही पीछे एक बड़ी सी नदी थी, बड़े लोग मजाक किया करते थे कि पनडुब्बी पीकर ही तैरना सीखोगे, पनडुब्बी जो एक वो कीड़ा होता है जो तेज स्पीड में पानी पर चलता है, कहते हैं 2-3 बार मजाक में हमने वो पी भी लिया, खा भी लिया उसको, लेकिन क्या पता था कि जब तैरना सीख जाएंगे तो नदी से दूर हो जाएंगे। आज शहर में रहते हैं, बड़े शहर में, क्योंकि जिंदगी में काम ही कुछ ऐसा मिल गया, इतनी सारी मूवीज है। जो उनकी लाइन है
कि क्या पता था कि जब तैरना सीख जाएंगे तो नदी से दूर हो जाएंगे। यह हर किसी के दिल को छू जाती है। पंकज त्रिपाठी जी अपने बचपन की यादों को गर्व के साथ में साझा करते हैं, कभी भी कतराते नहीं। और एक आज की जनरेशन है, दोस्त के पास में महंगा फोन देखा नहीं कि घर आकर के खाना पीना छोड़ देते हैं, जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे भी वही वाला चाहिए। अपने अभावों में भी जिंदगी का जश्न मनाना सीखिए, जिंदगी आपको वो सब देगी जो आप दिल से चाहते हैं। रिग्रेट की बात चली है तो मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे कि कहीं आपको रिग्रेट ना रह जाए। इस वक्त मार्केट में जो हॉट ट्रेंड है, जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है, वो है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडिया का सबसे सेफ, सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, जिसके साथ में 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का भरोसा है, जहां आप 75 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप मात्र 100 रुपए से अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की जो यात्रा है उसे शुरू कर सकते हैं विद कॉइन स्विच कुबेर। कमाल की बात यह कि कॉइन स्विच कुबेर पर आपको इंस्टेंट डिपॉजिट्स, इंस्टेंट विड्रॉल्स का सपोर्ट मिल जाएगा और इसका बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल यूआई है। तो अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार ये सब शुरू कर रहे हैं, तो आप इजीली इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे कमाल बात, साइन अप या रेफरल पर आपको 50 रुपए का बोनस भी मिलता है कॉइन स्विच कुबेर पर। एक और बड़ी बात, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल आपके पास में हैं, तो सिंपली कॉइन स्विच कुबेर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए और समझिए क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डिटेल में। लर्निंग नंबर 3, मुश्किल होगा सफर लेकिन तय तो करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंकज त्रिपाठी जी जब शुरू में पहुंचे थे मूवीज करने के लिए और उनको एक्शन डायरेक्टर ने गाली वाली दे दी थी और उस सब के बाद में उनका दिमाग खराब हो गया, लेकिन उन्होंने, जो सीनियर एक्टर ने कहा कि गालियों को इकट्ठा कीजिए और काम पर फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस किया और आगे बढ़ते चले गए। जैसा कि हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पंकज जी के पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। 2 बार उन्होंने एग्जाम भी दी लेकिन पास नहीं हो पाए। तो पंकज साहब मजाक में कहते हैं कि डॉक्टर का टर तो नहीं लेकिन एक्टर का टर जो है वो मेरे साथ रह गया। पंकज त्रिपाठी जी जिन्होंने कि जब ये देखा कि उनके बिहार के रहने वाले मनोज वाजपेयी साहब मुंबई आकर के बड़े अभिनेता बनते हैं, तो मनोज वाजपेयी साहब ने पंकज जी को बड़ा इंस्पायर किया। पंकज त्रिपाठी जी उनसे बड़े प्रेरित हुए और उन्हें लगा कि जब मनोज भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। इसी जिद के साथ में, इसी सपने के साथ में पंकज त्रिपाठी जी आगे बढ़े। वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं था। जब मैं पहुंचा था मुंबई तो अलग अलग स्टूडियोज में जाता था, दरबान ही भगा देते थे, वो फोटो रख लेते, कहते थे बता देंगे कुछ होगा। तो उस वक्त रामोजी का समय चल रहा था तो उनके स्टूडियो के बाहर ऑडिशंस के लिए 250-250 लोगों की लाइन लगी होती थी, तो उसमें खड़े हो जाते थे। कास्टिंग डायरेक्टर टाइप की तो उस वक्त कोई चीज़ होती नहीं थी। जब वहाँ जाते थे, अंदर ऑडिशन होता था तो कह देते थे नॉट फिट, नॉट फिट। ये नॉट फिट सुनने की इतनी आदत हो गई थी कि कई बार तो ऐसा लगता था कि घर जाऊं तो कहीं बीवी गेट खोल करके ना कह दे नॉट फिट। तो ये मजाक की बातें, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को भी एक हल्के फुल्के अंदाज में लोगों के साथ में साझा किया। और वो चाहते हैं कि जिंदगी में कभी भी कोई भी अपने सपने को ना छोड़े, चाहे जितना मुश्किल हो लेकिन सफर जरूर तय करे, यही सिखाते हैं पंकज त्रिपाठी जी। 4थी सबसे बड़ी बात जो पंकज जी से सीखने वाली है, जिंदगी में परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। बिना फैमिली सपोर्ट के कोई भी लाइफ में अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। पंकज त्रिपाठी जी कहते हैं कि मेरी जो भाभी जी हैं रीता तिवारी जी, वो कहती थी कि 9th क्लास में हमने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम बड़ा नाम कमाओगे, कुछ बड़ा करके दिखाओगे। 10th क्लास में कि ये लव स्टोरी उनकी आपको सुनाता हूँ छोटी सी, पंकज त्रिपाठी जी की लव स्टोरी बड़ी कमाल की। वो कहते हैं कि मैंने 10th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि दहेज नहीं लेना। अपनी बहन का तिलक लेकर के जब गए तो वहीं मुझे पत्नी मृदुला मिल गई, सीढ़ियों से उतर रही थी। 1993 का शुक्रवार था, रात के 8:30 बज रहे थे और मैंने तभी तय कर लिया था कि शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है। पता नहीं था कि भाव देंगी भी कि नहीं देंगी, बात करेंगी कि नहीं करेंगी, हाँ करेंगी ना करेंगी। 2004 में बाद में उन्हीं से शादी कर ली। वो कोलकाता रहती थी, ये गांव में रहते थे, फिर पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। NSD में जब पढ़ रहे थे तो रात में 8 बजे कॉल आना ही आना ये डिसाइड था। डेट क्या होती है तो पता ही नहीं था, मतलब 1-1.5 साल में जाकर के कलकत्ता मिलना हो जाता था। अक्सर ये काम के सिलसिले में बाहर रहते थे तो दोनों चिट्ठियां एक्सचेंज किया करते थे, चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे का हाल जाना करते थे। और एक वक्त ऐसा आया जब पंकज जी जब दिल्ली में थे तो इन्हें लगा कि शायद मृदुला की शादी हो गई होगी, लेकिन मृदुला जी ने खुद को शादी से बचाए रखा और बाद में वो खुद भी जॉब करने के लिए दिल्ली चली आई और बाद में एक दूसरे के परिवार ने दोनों को ही एक्सेप्ट कर लिया और इनकी शादी हो गई 2004 में। मृदुला जी को साथ लेकर के पंकज जी मुंबई चले आए क्योंकि एक्टर बनना था। अब कमाल की बात यह थी कि वो एक्टर बनने तो चले आए, उन्हें मालूम नहीं था कि ये बड़ा मुश्किल होने वाला है।
पंकज जी को दिन दिन भर ऑडिशंस के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, अब घर का खर्चा कैसे चले। तो मृदुला जी की जो सैलरी थी उससे घर का खर्चा चला। बहुत लंबे समय तक उन्होंने परिवार का खर्चा चलाया। आज पंकज त्रिपाठी जी जो कुछ हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी धर्मपत्नी मृदुला जी का है। और पंकज जी भी समय समय पर अपनी पत्नी के लिए प्रेम का इजहार करते रहते हैं। इनकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे और ऐसे ही परिवार का साथ हर किसी को मिलता रहे ताकि हर कोई अपनी जिंदगी में मंजिल तक पहुंच जाए। और सीखने वाली आखिरी और पांचवी बड़ी बात, बी अ रूल ब्रेकर। पंकज जी ने कभी भी रूल्स फॉलो नहीं किए। पंकज जी के पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो एक्टर बने। 10th क्लास में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे लव मैरिज करनी है, वो भी तब जबकि गांव में किसी की लव मैरिज नहीं हुई थी। पंकज त्रिपाठी जी जिनके गांव में पंडित जी पंडिताई किया करते थे, तब उन्होंने एक्टर बनने का सपना देख लिया था। हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने पंडिताई भी की। और बड़ा एक मजेदार सा किस्सा वो सुनाते हैं कि 10th क्लास में जब मैं था तो पूजा करने के लिए हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर गोपालगंज जाना था। हम गए, हमने जाकर के पूजा संपन्न करवाई। जिनके यहाँ पूजा थी वो पहलवान भाई थे। जब पूजा संपन्न हो गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दक्षिणा में क्या दें, तुम तो बड़े यंग से हो, लड़के से हो। एक काम करना, हम यहाँ सिनेमा में दरबानी का काम करते हैं, तो तुम कभी भी आ जाना, तुम्हें मुफ्त में सिनेमा दिखाएंगे। और पंकज जी कहते हैं कि वो जो दक्षिणा मिली थी उसे कभी ले नहीं पाए क्योंकि वापस वहां जाने का मौका मिला नहीं। 20 किलोमीटर दूर था, इतनी दूर कौन जाता। लेकिन किसे पता था कि जो दक्षिणा मिली थी वही जीवन बन जाएगा, सिनेमा में ही चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। पंकज त्रिपाठी जी ने कैसे रूल्स ब्रेक किए हैं ये आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं उनकी मूवीज के किरदार से। जो हम देखते आए थे ट्रेडिशनल जो डॉन होते हैं उनके किरदार कैसे होते हैं, भारी भारी डायलॉग्स वाले और एक अलग सा अग्रेशन होता है। लेकिन जब हम मिर्जापुर के डॉन को देखते हैं, जब हम मिर्जापुर में देखते हैं पंकज त्रिपाठी साहब को कालीन भैया के किरदार में, तो बड़े शांत से लेकिन अग्रेशन बरकरार है। वो जो रूल्स थे उनको भी उन्होंने ब्रेक किया है, लीग से हटकर चलने का काम किया है पंकज त्रिपाठी जी ने। और जाते आते पंकज त्रिपाठी साहब बिगिनर्स के लिए कहना चाहते हैं कि लाइफ में आपको एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ड्रामा स्कूल में हमें सिखाया गया कि एक्टिंग आनी चाहिए, लेकिन मुंबई आकर के पता चला कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आपको 10 चीजें और आनी चाहिए। आप बाजार में खड़े हैं लेकिन बाजार में खुद को बेचना भी आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर फोकस करना होगा, एक कंप्लीट पैकेज बनना होगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। जाते आते बस यही कहना चाहता हूं कि एक समय था कि पंकज त्रिपाठी जी कहीं दिखाई नहीं देते थे, और एक अब है कि पंकज त्रिपाठी जी जिस मूवी में होते हैं तो उनके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है। अद्भुत अभिनेता को हमारा प्रणाम, उनकी जिंदगी से काफी कुछ सीखने के लिए। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। जाते आते बस यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।